नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। हमारा देश एक प्रश्नकाल से गुजर रहा है। नागरिकता को लेकर प्रश्न हैं, कश्मीर को लेकर प्रश्न हैं, नौकरी को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर। लेकिन दस्तक की शुरुआत करते हैं बच्चों की सांसों पर उठे प्रश्न से। कोटा के अस्पताल से 100 से ज़्यादा बच्चों की लाशें निकल चुकी थी। बहुत सवाल उठे थे। सरकार ने कहा सब ठीक है, लेकिन आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में पता चला कि अस्पताल चलाने वालों ने बच्चों का दूध तक नहीं छोड़ा था। कोटा शहर ने नए साल की अगवानी बच्चों की लाशों से उठी मातम की चीखों से की। 33 दिन में 103 बच्चों की मौतों ने पूरे देश को झकझोर दिया था। और तब राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने कहा था कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। 3-4-5-7 मौतें होती है, प्रतिदिन होती है, कोई नई बात नहीं। जयपुर में भी होती है। अंडरवेट पैदा होता है, 600 ग्राम का बच्चा है, उसको बचाना स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती है। हमने सोचा इसकी पड़ताल की जाए कि कितना दुरुस्त था कोटा के जेके लोन अस्पताल का इंतजाम। और हमें उन कातिल दिनों के जो गवाह मिले उनकी गवाही सुनकर आप सदमे में आ जाएंगे। इनसे मिलिए डॉक्टर एचएल मीना, पूर्व अधीक्षक जेके लोन अस्पताल कोटा। जब मौतें हो रही थी तो अस्पताल के अधीक्षक थे। हमारा पहला सवाल बहुत सीधा था कि जब साल, दो साल, चार साल के बच्चों की लाशें निकल रही थी तो डॉक्टर कहाँ? जवाब सुनिए। मैंने बहुत काम किया और जो स्टूडेंट है ना, ये सारे मैंने भर्ती करवाए एचओडी ने कोपरे, और एचओडी कभी दो साल में यहाँ आए। जो विभाग अध्यक्ष से सिंगल प्रोफेसर है, इस विभाग के वो आते नहीं थे। आपने बिल्कुल सही सुना। बच्चों की मौतों के समय जेके लोन अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट कहे डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि पेडियाट्रिक्स के विभाग अध्यक्ष दो साल में कभी झांकने तक नहीं आए। जाहिर है जब विभाग के मुखिया ही नहीं आते थे तो बाकी डॉक्टर बच्चों को लेकर कितने गंभीर हो। यहाँ रिसोर्स ही नहीं था आपके पास। एचओडी आते नहीं थे ना, एचओडी आते थे, ये इंस्ट्रूमेंट का जो छोटा मोटा गैप रहा ना, ये भी नहीं रहता। ऐसे ही नहीं मरते जा रहे थे बच्चे, उसके पहले अस्पताल की व्यवस्था मर गई थी। कोई देखने वाला नहीं था कि चीजों की खरीद हो रही है या नहीं। कोई देखने वाला नहीं था कि सफाई हो रही है या नहीं। कोई देखने वाला नहीं था कि इलाज ठीक से हो रहा है या नहीं। मतलब 3 टेंडर आए, उनमें क्या कंफ्यूजन होगा, कुछ ना कुछ या कंफ्यूजन नहीं होगा। जानबूझ मैं इसमें कुछ नहीं बट बोलूंगा कि जानबूझ के क्या लिखे से या गलती से हुआ, पर टेंडर कैंसिल हो गया। एक टेंडर को प्रोसेस करने में कम से कम 4-5 महीने लगते हैं। ये तो ही डॉक्टरों की बात। हमने सोचा लैब के लोगों से भी असलियत समझने की कोशिश की जाए। अभिषेक, लैब टेक्नीशियन, जेके लोन अस्पताल कोटा। हम सीधे मुद्दे पर आ गए। दिक्कत क्या हुई, कितनी मौतें क्यों होने लगी? नहीं देखो, मैं बताऊं, मेन एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो है डॉक्टर्स। डॉक्टर है नहीं यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ जो EP वगैरह हैं वो आते ही नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर, हाँ हाँ भाई। जिसको अब जो नए लड़के आ रहे हैं जैसे MBBS करके आते हैं, तो इनको ज़्यादा जानकारी होती नहीं। अभिषेक ने हमें बताया कि डॉक्टर ही गायब नहीं रहते थे, जांच की मशीनों को भी देखने वाला कोई नहीं था, जबकि मशीनें दुरुस्त थी। इक्विपमेंट तो आधे ठीक हैं, आधे सही भी हैं, लेकिन आप इक्विपमेंट का देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। आप में, आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, ठीक है साहब। अब जो रेजिडेंट है जज नहीं कर पाते, इन्वेस्टिगेशन क्या करवाना, ABG 700 की होती है। हर वेंटिलेटर पेशेंट को ABG की आवश्यकता है, पता है, 20 मिनट हर एक एक घंटे में उनकी ABG होना चाहिए। ABG है नहीं यहाँ पर, करवा। इसके बाद जो बात हमें पता चली उसे सुनने के बाद आप जेके लोन अस्पताल की व्यवस्था को लेकर हकारत से भर गए। बच्चों का दूध तक नहीं छोड़ते थे कर्मचारी। राकेश शर्मा, नर्सिंग स्टाफ, जेके लोन अस्पताल कोटा। बच्चों वार्ड से दूध इसके लिए आता है और चाय बनती है इसके लिए, केवल अकेले के लिए दूध आता है इसके। जो बच्चों के लिए मंगाया जाता है, बच्चों के लिए जो वार्ड में दूध आता है ना, उसमें से रोज एक थैली इसके खुद के चाय बनाने के लिए लाई जाती है वहाँ से वार्ड में। आप सोच सकते हैं कि जहाँ छोटे छोटे बच्चों का दूध तक कटक जाते हैं इलाज करने वाले, वहाँ बेईमानी का स्तर क्या हो। बच्चों को फिर दूध नहीं दी जाती होगी, बच्चों के कम पड़ जाती है तो कर्ज करा देते हैं, क्या करना है वहाँ। बच्चों कौन किसको पता रहता है कि किसको दी किसको नहीं दी, कौन काउंट कर रहा है दूध को।
दिल ठक से रह जाता है ये सुनकर, लेकिन जो सच है उससे नजर भी नहीं छुड़ा सकते। मोहम्मद हिजबुल्ला स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कोटा आज तक। ये तो सांसों का प्रश्नकाल था, अब राजनीति के प्रश्नकाल पर आइए। जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार डीएसपी देवेंद्र सिंह ने सरकार के लिए आफत खड़ी कर दी है। जब उसे गिरफ्तार किया गया था तो उसने डीआईजी से कहा था कि ये तो गेम है, इसे खराब मत कीजिए। अब राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने कहा है एनआईए की जांच देवेंद्र सिंह के पीछे छिपे चेहरों को बचाने के लिए हो रही है। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा बलों के शक्ति प्रदर्शन से ऐन पहले सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बुरी तरह घिर गई। जम्मू कश्मीर के गद्दार डीएसपी देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद एनआईए की जांच से पहले ही सरकार की नीयत पर आंच उठने लगी, वो भी तीखी वाली। आतंकी गतिविधियों के समय अब भाजपा सरकार रही है और उसकी जांच एनआईए को सौंपी जा रही है, इसलिए कि इस जांच का निष्कर्ष कुछ ना निकले। देवेंद्र सिंह की गद्दारी के सैकड़ों किस्से हवाओं में है। वर्दी पहनकर देश की हिफाजत की सौगंध खाने वाले देवेंद्र ने दरअसल दहशतगर्दी के बाजार में अपने ईमान की दुकान खोल दी थी, जो चाहे खरीद ले। कांग्रेस पार्टी की आदत है कि वो हर संस्थान पर सवाल उठाती है, सीबीआई पे सवाल उठाया, एनआईए पे सवाल उठाया। अब देवेंद्र के मसले पर कांग्रेस ने सरकार को बुरी तरह घेर लिया है, खासकर राहुल गांधी। उन्होंने तो सीधे पीएम मोदी पर सवाल उठा दिया है, उन्हें एनआईए की जांच पर बिल्कुल एतबार नहीं है, उनके आरोप बेहद संगीन है। उन्होंने ट्वीट करके पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला बोला है। आतंकवादी डीएसपी देवेंद्र को चुप कराने का सर्वोत्तम तरीका है केस को एनआईए के हाथों में सौंप देना। एनआईए की कमान एक दूसरे मोदी के हाथ में, वाईके, जिन्होंने गुजरात दंगों और हरेन पंड्या हत्या मामले की जांच की। वाईके की निगरानी में यह केस खत्म होने जैसा है। कौन आतंकी देवेंद्र सिंह को खामोश करना चाहता है और क्यों? राहुल ने गद्दार देवेंद्र के मुद्दे पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पहली बार नहीं घेरा है। उन्होंने एक दिन पहले ही उनकी नीयत को लेकर चार सवाल पूछे। एक, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार देवेंद्र सिंह पर चुप क्यों है? दो, पुलवामा हमले में देवेंद्र सिंह की क्या भूमिका थी? तीन, ऐसे और कितने आतंकवादी हैं जिनकी मदद की गई? और चार, उसको कौन बचा रहा था और क्यों? आज जो भी हो, सर्वोच्च न्यायालय या हाईकोर्ट की देखरेख में हो, ये राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और भाजपा जैसे जैसे उसकी सरकार से छिपाने की कोशिश कर रही है, लगता है देवेंद्र मोहरा है इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। देवेंद्र सिंह को लेकर सवाल इसलिए भी गहरे हो गए हैं कि जम्मू कश्मीर के डीआईजी अतुल गोयल ने जब उसे गिरफ्तार किया तो उसने तड़प कर कहा था, सर ये गेम है, आप गेम खराब मत करो। और तो और उसने यहाँ तक कहा था कि उसके बगल में बैठा हिजबुल का आतंकी नवीद बाबू उसका पीएसओ है। तो सवाल है कि डीएसपी देवेंद्र सिंह ने क्यों कहा गेम मत खराब कीजिए सर? आतंकवादियों के साथ मिलकर देवेंद्र कौन सा गेम कर रहा था? डीएसपी देवेंद्र सिंह किसके कहने पर अपना गेम चला रहा था? डीएसपी देवेंद्र और आतंकवादियों के गेम में और कौन कौन शामिल था? हिजबुल के आतंकी को डीएसपी ने अपना पीएसओ क्यों रखा था? प्रियंका गांधी ने तो सीधे ही पूछ लिया कि देवेंद्र सिंह तो बस एक मोहरा है, लेकिन वो किसका मोहरा है ये बात सामने आनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में डीएसपी देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। यह अजीब लगता है कि वो न केवल अपनी असलियत छिपाता रहा बल्कि उसे बेहद संवेदनशील ड्यूटी पर लगाया गया है, जैसे विदेशी दूतों की सुरक्षा। मौजूदा परिस्थितियों में वो किसके हुक्म की तामील कर रहे थे, पूरी जांच होनी चाहिए। भारत पर हमले में आतंकवादियों की मदद राजद्रोह है। अब बीजेपी कह रही है कि राहुल प्रियंका बेकार परेशान है, एनआईए पर एतबार कीजिए, सारा सच सामने आ जाएगा। कोई ऐसा संस्थान है जिस पर सवाल कांग्रेस ने नहीं उठाया? क्या हो गया है कांग्रेस को? किस तरह की भाषा बोल रही है कांग्रेस? इसका जवाब देश की जनता देगी,
देश के सुरक्षा के मुद्दे पर इस तरह का सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को ये बहुत भारी पड़ेगा, देश की जनता इसका जवाब उसको देने वाली। कांग्रेस देवेंद्र सिंह की गद्दारी को लेकर जैसे जैसे आक्रामक हो रही है, बीजेपी का उबाल बढ़ता जा रहा है। उसने पूछा कि देवेंद्र का नाम 2001 के संसद हमले में सामने आया, वो निकल गया। पुलवामा हमले में भी उसकी भूमिका संदिग्ध है। और सबसे बड़ा आरोप, बीजेपी ने देवेंद्र सिंह को अहमियत क्यों दी? अब देखिए कि राहुल कह रहे हैं एनआईए देवेंद्र को बचाने के लिए लगाई गई है, और एनआईए के मुखिया योगेश चंद्र मोदी केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला से इस पर मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। वहीं जब जम्मू कश्मीर पुलिस देवेंद्र और आतंकवादियों से पूछताछ कर रही होती है तो एनआईए के अफसर मौजूद होते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एनआईए ने एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की। आज तक ब्यूरो। राजनीति के प्रश्नकाल से समाज के प्रश्नकाल की तरफ आइए आपको लेकर हम चलते हैं। नागरिकता कानून के खिलाफ लगातार 33 दिन से दिल्ली के शाहीन बाग में एक सत्याग्रह चल रहा है। सरकार इसे लेकर बहुत परेशान है। सरकार चाहती है कि यह धरना खत्म हो जाए, लेकिन अब तो देश के तमाम शहरों में सीएए के खिलाफ शाहीन बाग जैसे आंदोलन शुरू हो गए हैं। कई शहरों में तो औरतों ने मोर्चा संभाल रखा है। भारत का ये नक्शा अब शाहीन बाग की नई पहचान है। आसपास प्रतिरोध का एक विशाल मोहल्ला लगातार आबाद है। 32 दिन हो गए, लेकिन ये बोलियां शांत नहीं पड़ी हैं। कहती हैं कि नागरिकता कानून की वापसी तक उनकी बेचैनी कम नहीं होगी। हम तो अपने भारत के लिए बैठे हुए हैं, भारत देश की नागरिकता और उसके कानून को बचाने के लिए बैठे। एक महीने से हर काम उन्होंने अपना लिया है, हर काम अपना लिया कि कैसे ये हम प्रोटेक्ट हटाया जाए। डर हो गया है कि मतलब महिलाएं कुछ ज्यादा आगे बढ़ गई, उनको ज्यादा डर हो रहा है कि शायद ये इतना ज्यादा ना हो जाए कि हमें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ जाए। रात रात भर लोग गीत गाते रहते हैं, नारे लगाते रहते हैं, यहीं पर खाना, यहीं पर नाश्ता, यहीं पर चाय। उधर भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद जेल से छूटते ही फिर से जामा मस्जिद पहुंच गए थे, संविधान की प्रति लेकर। हम भारत के लोग, भारत को एक, भारत को एक, संपूर्ण। शाहीन बाग अब दिल्ली के एक मोहल्ले का नाम भर नहीं रह गया है, नागरिकता कानून के खिलाफ सामूहिकता के बोध का नाम बन गया है। एक ऐसा बोध जिसमें बेचैनियों के विरुद्ध क्रोध नहीं, प्रार्थनाएं हैं, शब्द हैं, संविधान की प्रस्तावना के पाठ। चंद्रगुप्त का शहर पटना, यह शहर का सब्जी बाग इलाका है। दिल्ली के शाहीन बाग की तरह ही यहाँ भी सैकड़ों लोग शांतिपूर्ण आंदोलन पर बैठे हुए हैं लगातार 6 दिन से। जैसे जैसे खबर फैल रही है पूरे पटना से लोग पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े नेता भी। और अभी हमारा भारत, हमारी भारत माँ रो रही है कि हमारे देश में हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ये आप लोग नौजवानों को तय करना होगा। यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको तय करना होगा कि आगे का भविष्य क्या होगा। बिहार में एनआरसी का विरोध जोर अब पकड़ रहा है। पटना यूनिवर्सिटी के गेट पर छात्रों ने नागरिकता कानून के विरोध में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे को काले झंडे दिखाए, उनकी कार पर काली स्याही फेंकी। पटना से आइए गया, बुद्ध का शहर भी शाहीन बाग की तरह ही शांति से नागरिकता कानून के खिलाफ बैठ गया है। इस जगह का नाम ही है शांति बाग, और यहाँ भी महिलाएं आगे हैं। 19 दिन हो चुके हैं, दिन हो या रात, न विरोध की आवाज कम होती है, न लोगों की तादाद। ये एनआरसी का मसला छेड़ा इन्होंने, सीएए का मसला छोड़ा, एनपीआर का मसला जो इन्होंने छेड़ा, ये बहुत गलत किया। अब सिर्फ मुसलमान नहीं, पूरा भारत जाग चुका। कोई पॉलिसीज लाते है गवर्नमेंट, तुम्हारा हक बनता है कि हम उसको क्वेश्चन करें, हम उसके खिलाफ अगेंस्ट हो अगर हमारे इंटरेस्ट में वो चीज नहीं हो। किशनगंज, पटना और गया की तरह ही किशनगंज में भी एक शाहीन बाग उठ खड़ा हुआ है। और एनआरसी का ये नाटक नहीं होता तो 43 साल का रिकॉर्ड जो बेरोजगारी ने तोड़ दिया,
गुरुवार को तो प्रदर्शनकारियों का साथ देने के लिए गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी भी पहुंचे। इतिहास के इस पड़ाव पर नहीं लड़ा, कल वो गद्दार माना जाएगा। ये मनुस्मृति बनाम संविधान की लड़ाई है। दिल्ली के शाहीन बाग से करीब 700 किलोमीटर दूर प्रयागराज की इन औरतों ने अपना शाहीन बाग बसा डाला है। कड़कड़ाती हुई ठंड में भी डटी हुई है। 5 दिन हो गए, सबके लिए खाना, सबके लिए चाय, सबके लिए कंबल। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस एक्ट को वापस लें, क्योंकि इससे हमारे देश का हर तबका अलग अलग धर्मों में बढ़ गया है। अब आइए नांदेड़, महाराष्ट्र। यहाँ तो डीएम के दफ्तर के बाहर ही महिलाओं ने नागरिकता कानून के खिलाफ अपनी आवाज की मशालें उठा रखी है। 5 दिन हो गए। कोलकाता, पश्चिम बंगाल, यहाँ तो ममता बनर्जी पूरे सूबे को ही नागरिकता कानून के विरोध का दूसरा नाम बना देने की कोशिश में। अहमदाबाद, गुजरात, गुजरात विद्यापीठ के छात्रों ने विरोध का अद्भुत तरीका निकाला है। गांधी के गुजरात में सूत कात रहे हैं। दरअसल 14 तारीख को हम लोगों ने एक पतंग उड़ाने का एक कार्यक्रम रखा था, और उसमें जो पतंग पे नो सीए नो एनआरसी लिखा हुआ था, तो उस दौरान जो है उससे पहले ही करीब तीन पुलिस गाड़ी जो है कैंपस के अंदर आई, और 6 पुलिस गाड़ी बाहर कैंपस के बाहर खड़ा थी। गांधी के 150वें साल में जारी सत्याग्रहों के सामने अपनी ही चुनी हुई सरकार है, और उस सरकार की शक्ति है जो कहती है कि हम आपको नहीं सुनेंगे, आपको हमको सुनना पड़ेगा। हम घर में जाएंगे, सच्चाई बताएंगे और देश की जनता को सीए के समर्थन में लामबंद करकर मोदी जी के हाथ हम मजबूत करेंगे। दोनों तरफ जिदें हैं, लेकिन शहर दर शहर आबाद होते शाहीन बागों की बोलियां ऊंची होती जा रही। इतिहास इंतजार में है, गांधी के देश में सत्याग्रह का असर बचा है या खत्म हो गया। आज तक गौरव। नागरिकता कानून पर जारी प्रश्नकाल के अलग अलग चेहरे हमारे सामने आ रहे हैं। दरभंगा में 3 लड़के किसी कंपनी के लिए एक सर्वे के लिए गए थे, लोगों को लगा कि वो सरकारी लोग हैं, एनपीआर एनआरसी के लिए पूछताछ कर रहे हैं, और इसके बाद तो सैकड़ों लोगों ने इन लड़कों को घेर लिया। 2 तो जान बचाकर भाग गए, लेकिन एक बेचारा फंस गया, और उसके साथ जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। नए नागरिकता कानून से फैले एक भय ने नागरिक को भीड़ में बदल दिया, और जब भीड़ भयावह हो जाती है तो नागरिकता का बोध सबसे पहले मर जाता है। दरभंगा में यही हुआ। डरा सहमा एक आदमी सैकड़ों की भीड़ के बीच कातर निगाहों से ताकता है, लेकिन लगता है भीड़ के माथे पर खून सवार है, उसे मार डालेगी। पुलिस मौजूद है, लेकिन वो जानती है कि भीड़ से बात नहीं की जा सकती। वो खुद डरी हुई है कि बाहर खड़े लोग उसकी जान न लें। इस दहशत की कहानी सुनेंगे तो आपकी रगों का लहू जम जाएगा। हम किन हालात के बीच जी रहे हैं और न जाने कहां पहुंचने वाले। हुआ क्यों कि प्रिंस नाम का ये आदमी अपने 2 साथियों के साथ दरभंगा के एक मोहल्ले में सर्वे करने पहुंचा था। सर्वे में ढेरों सवाल थे। कुछ लोगों को लगा कि ये लोग एनपीआर और एनआरसी पर सवाल कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये भी लगा कि ये सरकारी लोग हैं। व्हाट्सएप का जमाना ये झूठ आग की तरह पूरे दरभंगा में फैला। धीरे धीरे चारों तरफ से लोग जमा होने लगे। इसके दोनों साथी हालात को समझ कर चुपके से निकल गए, लेकिन ये फंस गए। आपको घर दे रहा है, आप अपना नाम बताओ और फोन नंबर ये दीजिए, आधार कार्ड दीजिए। तो हम लोग पहले से जानते थे कि नहीं देना है, तो नहीं दिए। कुछ लोगों को लग गया कि भीड़ प्रिंस की जान भी ले सकती है। उन्होंने बहुत होशियारी के साथ इसे उनसे बचाकर सामुदायिक भवन में बंद कर दिया।
पुलिस को फोन किया गया, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो भीड़ फिर से अपने रंग में आ गई। बाद में प्रिंस ने बताया कि एक निजी कंपनी के लिए राजनीतिक सर्वे करने आया था। यहाँ जो विधायक अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं, वही एक ओपिनियन पोल निकल रहा है। बहुत मुश्किल से प्रिंस को बाहर निकाला जा सका। लोग एक बार फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगे। पुलिस जैसे तैसे निकाल कर उसे अपने साथ ले गई। अब भीड़ कहती है कि सर्वे के नाम पर यह आदमी लोगों से निजी जानकारियां मांग रहा था, मकान दिलाने की बात कर रहा था। तो कुछ लोगों का कहना है कि वो संघ का भेजा भेदिया था। तो उसके साथ तीन लड़के थे, दो लड़के जब भागे तो इस पर लोगों को शक हुआ, लोगों ने पकड़ा इसको, तो ये 10 तरीके की बात बोलने लगा और वहाँ पर लोगों का भीड़ जमा हुआ। पता ये चला कि जो जिसके पास आधार कार्ड है, ये जो अपने कंपनी का आई कार्ड बनाया हुआ है, या इसके पास जो है ये उत्तर प्रदेश का है और ये जो कंपनी का दिखा रहा है मुंबई का दिखा रहा है। अनावश्यक रूप से कोई काम कंपनी का लेकर के आया है, उसमें लोगों को शक हुआ कि बोला कि हम सर्वे कर रहे हैं, इसीलिए क्या कहलाता है कि इस मोहल्ले के लोग विचार होते भाई प्रशासन को बुलवा करके हैंड ओवर कर दिया है। और कुछ ही उसी में असामाजिक तत्वों के लोग हैं, इसको राजनीतिक रूप देना चाहते हैं। सच क्या है, झूठ क्या, नहीं पता, लेकिन पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक प्रिंस यूपी के मिर्जापुर का रहने वाला है। लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि कोई मिर्जापुर से केवल सर्वे करने के लिए दरभंगा आ सकता है, जबकि प्रिंस कहता है कि वो जिस कंपनी के लिए काम करता है वो न्यूज चैनलों के लिए सर्वे करती है। फिलहाल दरभंगा पुलिस केस दर्ज करके प्रिंस से पूछताछ कर रही है। भीड़ होती है, उस पर न मुकदमा होता है न उससे पूछताछ होती। आज तक दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।